भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति अंदर आए। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आप लोगों की शिकायत पढ़ ली है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सर, हम कई अफसरान से मिल चुके हैं, सब तो सिर्फ समझाते हैं, झूठे वादे करते हैं, मगर करता कोई कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, इस तरह टाल मटोल होता रहेगा तो हिंदुस्तान में किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। पुलिस मुजरिम को कहाँ तलाश करती है सर? पुलिस तो तहकीकात बंद करने के बहाने तलाश करती रहती है। पुलिस को बदनाम करने का रिवाज आम हो गया है। पुलिस पर शक करने लगोगी तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? तहकीकात बंद करने का कोई काबिले कबूल कारण हो सकता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस केस में ना तो मरने वाले के वारी वारी सामने आए और ना ही उसका कोई अता पता चल सका। वो औरत कोई आसमान से तो टपकी नहीं थी कि उसका अता पता ना मिले। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसकी एक ही पहचान है, वो एक औरत थी और कमजोर वर्ग की व्यक्ति थी। हर रोज कहीं ना कहीं किसी औरत को दहेज न लाने की वजह से जिंदा जलाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, बलात्कार किया जाता है या फिर सड़कों पर नंगा किया जाता है। इत्तेफाक से कोई मुजरिम पकड़ा भी जाए तो वो कानून की भूल भुलैयों से बच निकलता है। मैं आप लोगों से बहस करना नहीं चाहता, अलबत्ता 10,000 रुपया उसकी मौत के मुआवजे के तौर पर दे सकता हूँ। उसके वाली वारिस का पता चले तो उन तक पहुँचा दीजिए और पुलिस को इत्तिला कीजिए, वरना अपनी समिति का चंदा समझ कर रख लीजिए। सरकार हमेशा मुआवजे का लालच दिखलाकर अपनी नाकामी छुपाती रहती है। हमें रुपया नहीं, मुजरिम चाहिए सर। मंत्री जी, भगवान ना करे कल आपकी बेटी या बहू के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या आप मुआवजा लेकर चुप बैठेंगे? ये रखिए रुपए एडवांस में मुआवजे के तौर पर।